हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक इन दिस व्लॉग। आज है 12th of February। वैसे तो आज सैटरडे और छुट्टी है, लेकिन कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है तो उसके लिए मतलब सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। अब प्रोग्राम क्या है, क्या होने वाला है, वो सब मैं आपको वहीं जाके अपडेट करूँगी। उसके पहले रेडी होना ज़रूरी है, तो मैं आपको मिलती हूँ सीधे कॉलेज में और रेडी होकर। वॉलंटियर्स लिली पट्टा ट्रेडिशनल में प्रियांशी एंड अंकिता। वेलकम बैक इन दिस व्लॉग। आज के इस व्लॉग को मैं अभी बीच में स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से इतना मैस था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो फाइनली अब थोड़ा बहुत वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रोग्राम है सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योर ग्वालियर। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो आज सारा सेटअप होगा। मेन प्रोग्राम कल है और आप जो पीछे मेरे स्टॉल्स देख रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया से आए हैं लोग अपना अपना सामान लेके। कुछ भी इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, कुछ फूड से रिलेटेड है, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं, तो ये अपना अपना लेके आए हैं और ये यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और बाहर से भी, इवन जो कॉलेज के बाहर से स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के बाहर के लोग हैं, फार्मर्स स्पेशली, कोई भी आके यहाँ विज़िट कर सकता है और सामान वगैरह खरीद सकता है। बेसिकली बताऊँ तो मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे एग्री बिजनेस को इंस्पायर करने के लिए ये रखा गया। कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है और प्रोग्राम के बारे में बताओ कि उस पे ये रखा गया है, मतलब क्या चल क्या रहा है। बेसिकली जो नवाड है उन्होंने पहले इनको ट्रेनिंग दी है कि आप ये भी कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीजें जैसे पिकल्स के हैं, हैंडमेड है, पहले इन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि आप कैसे कर सकते हैं। उन्हीं सब चीज के एग्जीबिशन स्पॉन्सर्ड बाय नवाड। हाँ, मेनली स्पॉन्सर्ड बाय नवाड है और वही वो लोग फिर उस ट्रेनिंग से सीख के उन्होंने प्रोडक्ट बनाए, वहाँ पे ये लोग एग्जीबिट कर रहे हैं और
देखेंगे कि और क्या क्या। हेलो गाइस, आज डे 2 है और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। आज का मेरा गेटअप